बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। और मैं सुरज रास, और आज के भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो है, सेकेंड सेमेस्टर में है। और हम आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आए, क्योंकि 2022 में आने वाले क्वेश्चन यार हैरान करने वाली बात है, समझ रहे हैं? क्योंकि हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो उनके पेपर में आ रहा है, तो समझ लो क्या करना है। 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आने वाले क्या कर रहे हैं, प्रश्न की बात करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके कितने ला सकते हैं बेटा, 85% प्लस यार। जी हाँ, 85% प्लस आपके सामने। सच में आप खुद हैरान हो जाओगे कि आप जैसे ही पेपर में बैठोगे, पेपर का पूरा की पूरा छपा हुआ पड़ा हुआ पूरा की पूरा आएगा, तो आप कैसा हैरान करोगे, आप हैरान हो जाओगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। समझ रहे ना, पेपर हैकर है तो सब कुछ मुमकिन है, समझ लो। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस पाई पढ़ो, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। तो आप बस इतना ही पढ़ो, अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन करो और फटाक से अपने बुक में टिक लगाओ। यदि नहीं लगा सकते ना, तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करो, बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, नोट्स कैसे मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मिलेंगे, जस्ट नाउ, एक मिनट, कैसे मिलेंगे बेटा, शॉर्ट में मिलेंगे, शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में आपको क्या मिलेंगे बेटा, नोट्स मिलेंगे। और आप नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे paperhacker.in वेबसाइट पर एक जाना होगा, हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, देखिए यहाँ टच करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पेपर हैकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ मिल जाएगा, यहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक तीर का निशान आता होगा, उस पर टच करिए, आ जाएगा paperhacker.in, उस पर सर्च करिए, सीधे गूगल पे पहुंचोगे, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, वहां पर आप सिंपल जो भी आप क्लास के हैं, बीए बीएससी बीकॉम हाई स्कूल इंटर यूपी पुलिस नेकपाल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उस बटन पर टच कर अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं बहुविकल्पीय, वो भी हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है और आराम से पढ़ सकता है। जी बिल्कुल, अब हम करेंगे एक नया जुनून के साथ तैयारी। ठीक है, तो बेहतरीन बनना है और अच्छा बनना है, सबसे अलग बनना है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। बस थोड़ा सा काम कर लो, ज्यादा नहीं कह रहा कि पूरी जिंदगी भर पढ़ो, बस वो पढ़ो जो पेपर में आए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भाई इतनी मोटी किताब पढ़ लो, इतनी मोटी नहीं, बस इतनी छोटी किताब पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। चलो क्या करना है, आपके पास नोट्स है तो मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे नोट्स को खरीदो, आपके पास एमसीक्यू की सीरीज है तो आप, मैं ये नहीं कहूँ आप अपने पास मत पढ़ो, मेरे पास से पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो जरूर यार, मेरी जो है एक बार सीरीज मैंने दी है ना, उसको देखो जरूर। मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, आप, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स के साथ में पीडीएफ दे रहा हूँ, इसकी भी और इसकी भी, आप जो चाहें जैसा अच्छा चाहें वैसे कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए यार। मेरे हिसाब से तो आप ये कहेंगे कि डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वीडियो को 2 घंटे 4 घंटे देखोगे तो आपको मिलेगा, बात भैया अब आपकी मर्जी है। अब क्या करना है, चलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे हम, ये पेपर है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर 2022, 85% प्लस योर टारगेट, तुम्हारा टारगेट 85% प्लस का होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, पहला क्वेश्चन पर टिक लगा लेंगे, पहला क्वेश्चन है लेखांकन। जी हाँ, लेखांकन को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, लेखांकन। हमने भैया अकाउंट खुलवाया, अकाउंट क्या कर, हमने क्या करा दिया, लेखांकन कराया है। ठीक है, अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, मतलब अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, लेखांकन की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं आपसे पूछेगा परिभाषा और क्षेत्र के प्रकार, मतलब आपको साथ में ये देखना है कि लेखांकन के प्रकार कितने होते हैं। क्या क्या पढ़ोगे आप इसमें, आप पढ़ोगे कि लेखांकन की अर्थ, अर्थ को परिभाषा कह सकते हैं कि परिभाषा, क्या लेखांकन की, अकाउंटिंग की परिभाषा, और वे कितने प्रकार के होता है, साथ ही साथ लेखांकन का सिद्धांत, अकाउंटिंग ऑफ थ्योरी आप पढ़ लेनी है, अकाउंटिंग ऑफ क्या है कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को भी साथ में पढ़ लेना है। किसका, अकाउंटिंग की अवधारणाएं कौन कौन सी है, कॉन्सेप्ट क्या है भैया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इन सारे क्वेश्चनों के नोट्सों के आंसर जो है हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से घर बैठे paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर। यहां बोला गया है
साथ ही साथ इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही जल्दी हम लाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। हो सकता है थर्ड सेमेस्टर के तो क्लियर करेंगे, हम एक एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा आपको, ठीक है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है, हम अभी मिलने के लिए देते हैं उसको, जैसे ही तैयार हो जाती है तुरंत हम आपको सूचित करेंगे और आसानी से आप उसको पढ़कर मतलब वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं आप, ठीक है। अपना बैच लीजिए, आराम से पढ़ाई करिए, बेहतरीन। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, अच्छा पढ़ो, ठीक है। अब क्या है देखो, दोहरा लेखा प्रणाली, अब यहां बोला गया है जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम का अर्थ क्या होता है, मतलब कि परिभाषा क्या होती है दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा, और उसके कुछ तो कुछ गुण देखने को मिले होंगे किसके, कि आप जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ तो फायदे होंगे और कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ तो दोष होंगे, क्योंकि हर एक इंसान या फिर हर एक चीज के लाभ होने के साथ साथ उसके कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है, वही है ये आप लोगों लगा है। रोज देखो, रोज नामचा क्या होता है, रोज नामचा की विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। रोज नामचा क्या है उसकी विशेषता आपको बतानी है, उसके बाद में आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाना है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बड़े आसानी से आप पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ फोकस देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। भाई आपसे बोला गया है खाता वही क्या होता है, ठीक है। खाता वही क्या होता है उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, मतलब परिभाषा पढ़नी है, ठीक है। और ये है आपका जो है तलपट, ठीक है, तलपट का अर्थ और परिभाषा, तलपट किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, पढ़ लेना इसको। और उसके बाद में है अंतिम, देखो बोला गया है ये छोटे छोटे पॉइंट है जो शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये घबराना नहीं है कि ये लॉन्ग में है शॉर्ट में है। अब हमारे जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें लॉन्ग अलग होगा शॉर्ट अलग होगा, बेहतरीन तरीके से जैसे लॉन्ग उसमें दे रखे हैं वैसे पढ़ लेना, शॉर्ट दे रखे हैं तो वैसे पढ़ लेना। यहां बोला गया है अंतिम खाता, अंतिम खाता जिसे हम क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। क्या है उसके लाभ और हानि और चिट्ठा के बारे में आपको बताना है, पूरा चिट्ठा बता देना है, ठीक है। समायोजन क्या होता है, समायोजन का अर्थ और उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट जो होता है उसका उद्देश्य क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है, आप इस क्वेश्चन पर भी टिक लगा लेंगे। 2022 का पेपर आपके सामने है, इस तरीके से है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ किराया, यहां बोला गया है किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति में अंतर, मतलब आपसे बोला गया है जो किराया क्रय पद्धति होती है वही आपसे एक होता है किस्त भुगतान पद्धति, इन दोनों में आपको क्या बता देना है, डिफरेंट बता देना है, मतलब अंतर बता देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीय लेखा क्या होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है, उसके उद्देश्य और लाभों के बारे में बताइए। क्या बोलेंगे कि डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होता है वो क्या होता है, उसके उद्देश्यों विभागीय लेखाओं लेखों के बारे में, लेखों को हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। वहीं शाखा और यह बुलाया है तलपट के सम्मेलन पर जो जर्नल विशिष्टियां थी उन विशिष्टियों के बारे में आपको बता देना है, लेकिन खास इतना नहीं रहेगा, लेकिन आप इतना ही ऊपर वाला पढ़ लो, ये भी आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चलो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बोला गया है लेखांकन, जी हाँ लेखांकन का अर्थ परिभाषा मैं ऊपर बता चुका हूं तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रकार सीमाओं की जरूरत पड़ती नहीं है, उनके प्रकार प्रमाणों के प्रकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर बता चुका हूँ सब कुछ, वही प्रकार वगैरह हो गया। यह है खातावाही का अर्थ क्या होता है परिभाषा, खातावाही के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, परिभाषा छोड़िए। देखो किस्त भुगतान पद्धति की विशेषता, मैंने बताया किस्त भुगतान पद्धति में अंतर पूछा था, जब आप वहां जब उसके परिभाषा पढ़ लोगे तो उसके विशेषता के बारे में बड़े आसानी से याद कर लोगे, नहीं किया है तो ये शॉर्ट में याद कर लेना। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, नगद मूल्य की गणना वार्षिक विधि में, कैसे हम किसी नगद मूल्य की गणना जब करते हैं वो कैसे करते हैं, वार्षिक विधि में करते हैं, तो वो किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आपको याद कर लेना है। विभाग और शाखा में अंतर, विभाग का मतलब होता है क्या, ब्रांच, जहां हमारी मेन ब्रांच है, ब्रांच हमारी शाखा कह सकते हैं वैसे, लेकिन विभाग का कह सकते हैं एक जहां एक मुख्य अड्डा है और उसने क्या है वहां से अपनी शाखाएं इधर उधर फैला रखी है, एक यहाँ एक छोटा अड्डा बना दिया, यहाँ छोटा अड्डा, यहाँ छोटा अड्डा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये शाखा, ये ब्रांच कहलाती है। तो विभाग उसकी छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं, ठीक है, वो आपको बता देना है। जैसे कि आपका एक मेन बैंक होती है SBI, तो SBI का मुख्यालय कहाँ है,
ठीक है, उस मुख्यालय का। फिर अब देखो बरेली में शाखा, फिर बरेली की एक मेन ब्रांच जो बरेली है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं। अब छोटी छोटी तो गांव गांव में बैंकें खुल गई हैं, तो ये शाखाएं ठीक है, वो चीज आपसे पूछा गया है। वहीं बोला गया है विदेशी शाखा, विदेशी शाखा क्या होती है, विदेशी शाखा क्या है उसकी विशेषता के बारे में आपको बता देना है। और ये रहे आपके 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे, जो भी आपका ई कॉमर्स वगैरह का पेपर है उसको भी हम आपको मेंशन करेंगे, क्योंकि हम वो पेपर क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, आप इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम इन क्वेश्चनों के आंसर और इसके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फाइव सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सबके हम लोग क्या है क्लासों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।